सवाल नंबर एक, कयामत के दिन अल्लाह का अर्श कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 8, डी 9। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। सवाल नंबर दो, मस्जिद में क्या खाकर जाना मना है? आपके ऑप्शन है ए अनार, बी सेब, सी कच्ची प्याज, डी लौकी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कच्ची प्याज। सवाल नंबर तीन, बिल्ली का झूठा खाना कैसा है? आपके ऑप्शन है ए मकरूह, बी हराम, सी अच्छा, डी जायज। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मकरूह। सवाल नंबर चार, बच्चों की परवरिश का हक किसका है? आपके ऑप्शन है ए बाप का, बी दादा का, सी माँ का, डी दादी का। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी माँ का। सवाल नंबर पाँच, कुरान मजीद में मुहम्मद का नाम कितनी बार आया है? आपके ऑप्शन है ए 2 मर्तबा, बी 4 मर्तबा, सी 5 मर्तबा, डी 3 मर्तबा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 मर्तबा। सवाल नंबर छह, जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? आपके ऑप्शन है ए पहाड़ पर, बी मस्जिद में, सी पानी में, डी घासों में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी घासों में। सवाल नंबर सात, जन्नत में दाखिल होने वालों की कितनी सफ़ें होंगी? आपके ऑप्शन है ए 220, बी 70, सी 120, डी 80। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 120। सवाल नंबर आठ, सूरह यासीन में कुल कितने हुर्फ हैं? आपके ऑप्शन है ए 5000, बी 4000, सी 3000, डी 1000। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 3000। सवाल नंबर नौ, कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? आपके ऑप्शन है ए 552, बी 558, सी 600, डी 400। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 558। सवाल नंबर दस, कौन से जानवर का गोश्त खाने से इबादत से लिखा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बकरी का, बी कुर्बानी का, सी गाय का, डी बकरे का। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कुर्बानी का।